ओके तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज की वीडियो में मैं अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आज तक मैं ऐसी कोई स्किन केयर रूटीन बनाई नहीं थी, जो कि काफी अच्छी बात है कि आप लोगों ने इतने कमेंट किया एंड मुझे बोला कि अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर कर। सो दैट्स व्हाई आज मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ वो है द फाई लाइफ का ये प्रोडक्ट, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। द फाई लाइफ एक मेन प्रोडक्ट बनाती है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, एंड इसकी बात करूँ तो ये पीटा सर्टिफाइड है जो कि क्रुएल्टी फ्री एंड 100% वेगन है। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस प्रोडक्ट में। अगर ये बाय करना चाहते हो तो www.thephylife.com पे जाके विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो जब मैंने इसको 2 वीक यूज़ किया है उसके बाद ही मैं इसे आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे मालूम है कि ये प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद ही मैं आप लोगों को कुछ रिव्यू दे सकता हूँ। तो फिलहाल मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया। अनबॉक्स करने के बाद मुझे इसमें मास्क मिले थे एंड गाइडेंस बुक एंड इसमें फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड फेस मास्क मिला था, एंड इसमें एक बैग है जो कि आप ट्रैवलिंग के कभी जाते हो तो आप लोग बैग में रख के ट्रैवल करके यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये 3 प्रोडक्ट है जो कि मैं आप लोगों को यूज़ करके दिखाने वाला हूँ, एंड काफ़ी बॉम प्रोडक्ट है। जैसा कि मैंने बताया ये 100% वेगन है, तो मुझे इस बात पे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। एंड लेट्स गो, इसको मैं यूज़ करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ इस प्रोडक्ट को कैसा यूज़ करना है कैसा नहीं। सो लेट्स सी। ओके तो फर्स्ट प्रोडक्ट आ जाता है हमारा द फाई की तरफ से मेन प्रोडक्ट, जो कि एक्ने-फाइट फेस वॉश है जो कि काफ़ी ज़्यादा बॉम्ब है। इसे मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली इसे ऐसे यूज़ करना है। तो मैं फर्स्ट यूज़ करता हूँ फाई कंपनी की तरफ से आने वाला एक्ने-फाइटिंग फेस वॉश, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अब बात की जाए इसकी कलरिंग की, तो इसका कलर ग्रीन कलर है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अमेजिंग लगता है। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लेमन्स के जैसी है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करता हूँ, एंड हाँ इसके अंदर एक आपको पार्टिकल्स देखने मिलते हैं लाइक स्क्रब, तो इसे यूज़ करते हैं। तो ये मैंने ले लिया एंड मैं इसे फेस पे कुछ इस तरह से अप्लाई करता हूँ। ओके तो मैंने फेस वॉश कर लिया है एंड पहले के सबसे काफी ज्यादा कूल लग रहा है। तो अब हम आ जाते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ से। तो सेकेंड स्टेप आ जाता है हमारा फाइ की तरफ से सुपर मॉइस्चराइजर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बॉम्ब है। अब इसे भी हमें यूज़ करना है। सेकेंड स्टेप है मॉइस्चराइजर, एंड ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगा है। एंड हाँ, जो कि आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है, जस्ट लाइक ए वाटर। तो अब मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करता हूँ। ये प्रोडक्ट मैंने ले लिया था बट मैंने काफ़ी ज़्यादा कम क्वांटिटी में लिया था, एंड मैं वापस इसको ले लिया है। एंड आप अपने यूज़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, एंड इसे कुछ इस तरह से हाथ में रगड़ना है ऐसे करने पर। ओके तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने जो मॉइस्चराइजर यूज़ किया काफ़ी जल्दी अब्सॉर्ब हो गया, तो इसी का खास बात मुझे यही लगा। तो थर्ड प्रोडक्ट आ जाता है मेरा एक्ने एक्शन फेस मास्क, जो कि काफ़ी सारे लोग अप्लाई करते हैं, एंड ये भी मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आप लोग। थर्ड स्टेप होता है एक्ने एक्शन फेस मास्क। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने इसको ओपन कर लिया है। ये बेसिकली वर्क करता है ऑयल, पिंपल्स एंड डल स्किन को रिमूव करने के लिए, और ये कुछ इस तरह दिखता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने जो मास्क अप्लाई किया था उसे मैं वॉश करके आ गया हूँ, एंड मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो एंड हैंडसम दिख रही है। एंड आप भी ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हो एंड इस स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ से बाय कर सकते हो। एंड आप जाके विजिट कर सकते हो www.thephylife.com पे जाके विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये मैन ग्रूमिंग के काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाता है, उसमें से कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। सो आज की वीडियो यही पे एंड करते हैं, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना, एंड हाँ लोगों के साथ शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, बिकॉज सबकी स्किन केयर रूटीन इससे सॉल्व हो सकती है।